इंदौर के निजी स्कूलों ने पालकों को शहर के अनलॉक होने की बात कितना परेशान किया है, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी स्कूलों से मिलने वाली प्रताड़ना की शिकायत की गई थी, लेकिन नतीजा नहीं आने से पालकों की परेशानी यथास्थिति बनी हुई है। निजी स्कूलों से परेशान पालकों के साथ मिलकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। लगातार परेशानी झेल रहे पालकों को साथ में लेकर परिषद जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, लेकिन शिक्षा अधिकारी की गैर हाजिरी होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भड़क गए और कार्यालय पर ताला जड़कर शिक्षा अधिकारी के लापता होने का पोस्टर चस्पा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं को कार्यालय के बाहर किया। दरअसल लगातार निजी स्कूल द्वारा मनमानी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में इंडस वर्ल्ड स्कूल की मनमानी और टीसी नहीं देने को लेकर एबीवीपी और पालकों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय पर नहीं मिले। पालक और एबीवीपी ने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर जमकर हंगामा किया और वहाँ पर ताला जड़ दिया। हम पिछले 3 महीने से परेशान हो रहे हैं, हमको इंडस वर्ल्ड स्कूल से टीसी नहीं दिया जा रहा है और टीसी ना देने के वो कई गलत हमसे मांग कर रहे हैं ना देने के लिए। उसमें उनकी पहली मांग तो ये है कि 90 दिन, जिस दिन टीसी का आवेदन दिया गया है उससे अगले 90 दिन की उनको हमसे फीस चाहिए, जो कि बिल्कुल भी किसी भी कानून में नहीं लिखा गया है। CBSE के रूल्स के तहत भी ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने खुद अपने स्कूल में खुद अपना एक रूल बना लिया और उसको अब वो पूरी तरह से माने बैठे हैं कि हमारा रूल है और आपको मानना पड़ेगा। उसके खिलाफ आज हम यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं। वैसे हम 150-200 की संख्या में हैं, लेकिन कोविड के कारण भी कई लोग नहीं आ पाए हैं, एक तो वो मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जिन लोगों ने जल्दी आवेदन दे दिया था उनको भी वो लोग बोल रहे हैं कि आपको हमको पैसे देने पड़ेंगे। तीसरा मुद्दा ये है कि जिन लोगों ने टीसी लेने के लिए आवेदन कर दिया है उनको भी वो लोग कॉशन मनी भी वापस नहीं दे रहे हैं, और अगर दे भी रहे हैं तो इस शर्त पर दे रहे हैं कि वो आपको मार्च में मिलेगी। तो हमारी मांग ये है कि आप हमको कॉशन मनी भी टीसी के साथ दीजिए। जब आपको पैसा पहले चाहिए, आप एडवांस में जब हमसे फीस लेते हैं, फीस तो आप पढ़ाई के पहले ले लेते हैं, तो फिर कॉशन मनी के लिए हम 6 महीने क्यों इंतजार करें। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। इंदौर में करीब 2 माह पहले ही एक छात्र ने स्कूल फीस के दबाव के चलते मौत को गले लगा लिया था। इसके बाद भी शहर में निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। वहीं जिम्मेदार प्रशासन सख्त कार्रवाई करने से अभी भी परहेज करता नजर आ रहा है। इंदौर से शकील सिकंदर की रिपोर्ट।